पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, 2024 का पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा, सबसे बड़ा ड्रामा, उसके ऊपर अपडेट आ चुकी है। जेंटलमैन की बात कर रहा हूं भाई, इसकी आपको पता है स्टार कास्ट जो है इसकी बहुत बड़ी है, और हमें इस टाइम हमारे सामने जो ग्रीन टीवी वालों ने इस टाइम बम फोड़ा है ना यार, जबरदस्त बम फोड़ दिया भाई इस टाइम, और हमें सारे के सारे जो करेक्टर है उसके नेम रिवील कर दिए, और पहला पहला सबके लुक भी रिवील कर दिया, अभी कैसा कैसा सबका लुक होने वाला है उसके ऊपर बात करते हो। पहले टीजर भी बहुत जल्द आने वाला है और इसके रिलीज डेट के ऊपर भी एक अपडेट है, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले भाई हमारे सेट की यहाँ पे लुक दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं ये लुक, और यहाँ पे हमारे सेट का जो नाम होने वाला है वो होने वाला इकबाल मुन्ना, और यहाँ नाम से लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा गुंडा टाइप सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। और दूसरे नंबर पे है यहाँ पे यमुना जैदी, और इनका नाम होने वाला है जरनाब, और यहाँ पे सिंपल लुक है, और इनके ऊपर अभी एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि इनका किस तरह का रोल होगा। दनान सदीकी के बारे में बात करते हैं, दनान सदीकी भी भाई यहाँ पे यही लग रहा है कि वो फुल ऑन गुंडे वाले रोल में, और इनका नाम होने वाला है रहमत, और जो चौथे नंबर पे जाहिद अहमद है, इनका जो कैरेक्टर है उनका नाम होने वाला है फारिश अहमद, और उसके बाद सुहानी अली आबरू, इनका जो रोल होने वाला है वो एज डिफरा होने वाला है, और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट मेरे फेवरेट है यार अहमद अली बट, उनका जो नाम होने वाला है वो होने वाला है दिलबर, और ये भी हमारे सईद की मुझे लगता है कि गैंग में से एक होंगे, और ये थोड़ा सा इस तरह का ड्रामा निकल के आ रहा है, और यहाँ पे हमें ये भी बता दिया गया है कि यार जो खलील रहमान कमर है वही इसके यार राइटर है, वो तो हमें सबको पता था। इनके जो डायरेक्टर है उसका नाम है एसम हुसैनी, और उसके साथ साथ हमें ये भी बता दिया गया है भाई इसका जो पहला टीजर है वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, मतलब के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसका जो फर्स्ट टीजर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त खबर है। और इसके रिलीज डेट में आपको अगर बताऊं तो इसके रिलीज डेट क्या हो सकती है इस टाइम, दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो यार जो अखाड़ा ड्रामा इस टाइम जो ग्रीन टीवी पे चल रहा है जब वो खत्म होगा तो उसके बाद होगा, और दूसरी चीज ये है कि यार ईद के फौरन बाद हमें देखने को मिल सकता है, और जो ईद के फौरन बाद वाली पॉसिबिलिटी है ये सबसे ज्यादा मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि ये वो टाइम बेस्ट टाइम है, क्योंकि तकरीबन फर्स्ट लुक जब रिवील कर दिया तो भाई 10-15 दिन के अंदर अंदर ये ड्रामा आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ईद के 2-3 दिन के बाद ये ड्रामा आप देख सकेंगे ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, अभी तक तो यही सोर्सेज हैं। ऑफिशियली खबर जब आएगा सब बताऊंगा, इसका पहला टीजर जैसे ही आएगा उसके ऊपर भी रिएक्शन भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, सब करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाने, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।